डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समाज एकता संस्थान व्यापार मेला 1-2 दिसंबर 2019, सोच बदलो समाज बदलो मजदूरी छोड़ो व्यापार करो जागरूकता मेले का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के परपौत्र राजरत्न अम्बेडकर जी रहे। राजरत्न अम्बेडकर जी ने अपने ओजस्वी और क्रांतिकारी भाषण के द्वारा सामाजिक क्रांति के साथ आर्थिक क्रांति पर विशेष बल दिया। देखते हैं संवाददाता प्रताप सिंह आजाद के साथ आज कैमरामैन आसिफ हुसैन की। उन सभी महापुरुषों को और महानायिकाओं को मैं हम लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समाज एकता संस्था के माध्यम से ये व्यापार मेला में यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। विचार मंच पर उपस्थित डॉक्टर वीर सिंह जगरवाल जी, इस कार्यक्रम के और इस संस्था के सभी संरक्षक संयोजक डॉक्टर एच सी निशांत जी, अध्यक्ष अनिल कुमार बिंदरवाल जी, विचार मंच पर उपस्थित मनोरमा भौज जी, मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर, विचार मंच पर उपस्थित आदरणीय वंदनीय भिक्कुगण, और आज मैं सोच रहा था कि किस बात से अपनी इस भाषण की शुरुआत करूं, तो मुझे बाबा साहब अम्बेडकर जी का 26 नवंबर 1949 का प्रसंग याद आया। बाबा साहब इस देश को संविधान देने के बाद अपने घर गए। अपने घर जाने के बाद उनकी एक आराम कुर्सी हुआ करती थी, उस आराम कुर्सी पर बाबा साहब बैठे, उन्होंने अपनी आंख बंद कर ली। आंख बंद कर चुकने के बाद कुछ ही क्षणों में उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, उनकी आंखों से आंसू आने लग गए। बगल में नानक चंद रत्तू वहां पर खड़े थे, उन्होंने देखा कि बाबा साहब रो रहे हैं। कितने पैसे आते थे बताएं आप लोगों को? वॉल्यूम 21 में बाबा साहब का एक लेटर छपा हुआ है, उस लेटर में बाबा साहब अपने क्लाइंट के लिए, अपने आशीर्वाद के लिए लिखते हैं कि आप मेरी फीस नहीं देते हो तो ठीक है, कम से कम आने जाने का किराया तो दीजिए। यानी जिस समाज की केसेस बाबा साहब लड़ा करते थे, उस समाज से भी बाबा साहब को फीस अपना घर खर्चा चलाने के लिए पैसे नहीं आते थे। ऐसे हालातों में उनका बच्चा बीमार पड़ गया। माता रमाई ने देखा कि राजरत्न का बुखार बढ़ते जा रहा है। माता रमाई ने एक कार्यकर्ता को कहा कि बाबा साहब जहां कहीं पर भी हो उन्हें तुरंत घर लेकर आओ। ये कार्यकर्ता हाईकोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट आने के बाद दस के मकान में जैसे ही प्रवेश करते हैं उस बच्चे को अपने बाहों में लेते हैं, और जैसे ही उस बच्चे को बाहों में लेते हैं वो बच्चा बाबा साहब के बाहों में ही दम तोड़ देता है। उस समय बाबा साहब इतना फूट फूट कर रोते हैं। सभी लोग, सभी कार्यकर्ता, वहां इकट्ठा हुए कार्यकर्ताओं को पता नहीं चलता कि बाबा साहब को शांत कैसे करें, शांत कैसे कराया जाए। बाबा साहब का बचपन का दोस्त आगे आता है, बाबा साहब को शांत कराता है, और शांत कराने के बाद बाबा साहब से कहता है कि बाबा साहब अभी इस राजरत्न के शरीर पर हमको अंत्यविधि करनी है, इसके लिए कफन लाना है, नए कपड़े लाने हैं, उतने पैसे हमें दीजिए, उतने पैसे हमें दीजिए। ये बात सुनते ही फिर से क्षेत्र के उद्योगों में केवल 8.4% अनुसूचित जाति के लोगों को ये प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है, वहां पर 15% की वहां पर जरूरत है। 15% होने के बावजूद केवल 8% वहां पर अनुसूचित जाति के लोगों को लिया जा रहा है। दिल्ली उच्च न्यायालय में 20 जजों में से एक भी जज ये अनुसूचित जाति का नहीं है, ये 2011 का आंकड़ा है। अभी मेरे ख्याल से गवई इनको वहां पर जज बना दिया गया है, तो एक जज वहां पर है, बाकी न्यायिक पदों पर 1.2% है। आगे गुजरात में एक भी एससी का या आदिवासी जज नहीं है, तमिलनाडु में इसकी संख्या लगभग 0 के बराबर है, और यही आंकड़ा आगे क्या लिखता है ये रिपोर्ट,
यही आंकड़ा जेलों में एकदम उल्टा है, जेलों में उल्टा है। एससी के सबसे ज्यादा कैदी जेलों में है, यानी सरकारी नौकरियों में आपकी जितनी संख्या होनी चाहिए उतनी वहां पर संख्या नहीं है। और यही जेल के कैदियों का कोई अध्ययन किया जाए तो यहां ये अनुपात शायद एकदम उल्टा पाया जाता है। तो इस तरह का रिपोर्ट ये सरकारी आंकड़ों में है, बाकी मैं पूरा रिपोर्ट आप लोगों को नहीं पढ़ा, यहां पर नहीं पढ़ा सकता। ये रिपोर्ट में इसलिए आप लोगों के सामने लाया हूं कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं दिल्ली में, महाराष्ट्र से, गुजरात से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, वहां पर लोग पांच पांच दस दस साल जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, अपना घर छोड़ रहे हैं। क्यों? यूपीएससी में पास होना है। पांच पांच दस दस साल हमारे बच्चे यूपीएससी की तैयारी दिल्ली में जाकर कर रहे हैं, लेकिन अभी सरकार ने लैटरल इंटरव्यू के माध्यम से 11 ब्राह्मण ज्वाइंट सेक्रेटरियों को किसी भी परीक्षा को पास किए बिना उनको सीधा सीधा इंटरव्यू से भर्ती करा दिया है। यूपीएससी यानी जो पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जाम्स हुआ करती थी वो भी अभी हट रही है। वहां पर भी आप लोग पढ़ाई करके अब आईएएस नहीं बन पा रहे, पढ़ाई करके आईएएस नहीं हो रहे हो। सेकंड थिंग, एजुकेशन इस देश का इस तरह से खत्म किया जा रहा है कि आसरा नाम का नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का एक रिपोर्ट है, उसने कहा है कि दसवीं के बच्चों को बाज का पाड़ा भी नहीं आता। सरकारी रिपोर्ट यह कहती है कि दसवीं के बच्चों को आठ का पाड़ा भी, पांच का पाड़ा भी नहीं आ रहा, आठवीं के बच्चों को अपना नाम तक लिखना इस देश में नहीं आ रहा, इस तरह के आंकड़े आए जा रहे। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि संविधान की वजह से आज आप लोग जिस स्थिति में आ गए हो, इस संविधान से जो आप लोगों के लिए बाबा साहब लिख कर गए हैं उसको धीरे धीरे हटाया जा रहा है, शिक्षा को हटाया जा रहा है, नौकरियों को खत्म किया जा रहा है। और इसलिए आज देखो, मैं खुद एमबीए हूं, 2010 में और ताले हो जाए बच्चों के लिए, ताले हो जाए बच्चों के लिए जरूरी है। तो बाबा साहब के संगठन का नाम लेने के वाले बाबा साहब का काम कितना करते हैं वो हमको देखने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद सर आपके लिए।